आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। गोंडा में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों और नेताओं से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि गरीब, कमजोर और किसान हर वर्ग डर महसूस कर रहा है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। यूं कहिए कि सरकारी संरक्षण में बड़े पैमाने पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ नित्य प्रति प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं किसी बहन बेटी के आबरू और इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, कहीं किसी को हत्या का शिकार बनाया जाता है, कहीं जबरन उसके घर पर कब्जा किया जाता है, आदि आदि तरह तरह की घटनाओं से जनता त्रस्त है। औरैया मेयर वॉकटरा थाना क्षेत्र में सपा नेता दीपू यादव लालपुर एरुआ टिकुर के खिलाफ रेप की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने सपा नेता के ऊपर आरोप लगाया है कि बच्चे और पति को जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचे की नोक पर बलात्कार करता था। वहीं पर थाना अध्यक्ष ने पीड़िता की पूरी बात सुनकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा और सपा नेता पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बता दें, सपा नेता दीपू यादव लालपुर एरवा टिकुर के खिलाफ रेप की धारा में एरवा टिकुर के खिलाफ रेप की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने सपा नेता के ऊपर आरोप लगाया है कि बच्चे और पति को जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचे की नोक पर बलात्कार करता था। वहीं पर थाना अध्यक्ष ने पीड़िता की पूरी बात सुनकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और सपा नेता पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बदायूं के गांधी ग्राउंड में विजयदशमी के मौके पर 40 फीट ऊंचा रावण और मेघनाथ का पुतला दहन करने के लिए बनाया गया। बता दें, रावण दहन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्राउंड में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ मेले का निरीक्षण किया। वहीं सीओ और एसपी मेला कमेटी से बात करके सुरक्षा को लेकर संदिग्ध दुकानों की चेकिंग भी की गई। बता दें, बदायूं के गांधी ग्राउंड में विजयदशमी के मौके पर 40 फीट ऊंचा रावण और मेघनाथ का पुतला दहन करने के लिए बनाया गया है। साथ ही रावण दहन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्राउंड में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ मेले का निरीक्षण किया है। वहीं सीओ और एसपी मेला कमेटी से बात करके सुरक्षा को लेकर संदिग्ध दुकानों की चेकिंग भी की गई है।
आज पूरे देश में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। इस दिन को बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी के दिन लोग देश भर में कई जगहों पर रावण का पुतला बनाकर रावण दहन करते हैं, जिसकी तैयारियां भी शहर के अलग अलग जगहों पर कर ली गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, दशहरा की पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। माइक सही तो करेगा। विभांशु, पूरे देश में दशहरा की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बुराई पे अच्छाई का त्योहार आज भारत उपमहाद्वीप समेत बांग्लादेश और साथ ही नेपाल और अपने देश में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि नवरात्रि के दसवीं दिन को, नौ दिन के बाद जब नवरात्रि का नौ दिन पूरा होता है, उसके दसवें दिन दशहरा मनाया जाता है। आपको बताएं कि आज के दिन माना जाता है कि जब भगवान राम अपने 14 सालों के वनवास काट कर और आज ही के दिन उन्होंने दशहरा के दिन रावण का वध किया था। और वही आपको बताएं कि कहीं ना कहीं रावण का जो एक अपने आप में जो एक क्रोध था, साथ ही साथ उसे अपनी जो ज्ञान का उसे ज्ञान का कहीं ना कहीं ज्ञान था, उसके साथ ही वो मानव सभ्यता के लिए और तमाम जो अगर देखे तो उसकी गलत नीतियों की वजह से भगवान राम ने उसका वध किया था और आज ही के दिन उसका वध किया गया था। इसको लेकर आज देश भर में लोग दशहरा त्योहार मनाने के लिए उत्सुक है। और आपको बताएं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो रामायण का युद्ध चला था राम और राम के बीच, वो आज ही के दिन रावण का वध किया गया था। वही आपको बताएं कि इसको लेकर बंगाल से लेकर पूरे देश में विजयदशमी के त्योहार मनाने के लिए लोग उत्सुक है। वही अगर बात की जाए तो आज अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो बारिश इस त्योहार पे कहीं ना कहीं असर डालते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ 400 साल पुरानी रामलीला मैदान में 400 साल पुरानी रामलीला होती है, उसके नौ दिन का ये पाठ होता है, दसवें दिन रावण का पुतला फूंका जाता है, साथ ही साथ तेज साथ कुंभकर्ण का भी पुतला फूंका जाता है। आपको बताएं कि आज बारिश के चलते कहीं ना कहीं ये बारिश त्योहार पर का जो त्योहार का मजा उसको किरकिरा कर रहा है, क्योंकि अगर बात करें रामलीला मैदान के एस पार्क की तो वहां जो 100 फीट की प्रतिमा बनाई गई थी वो बारिश में ढह चुकी है और ऐसे कई सारे जो पंडाल हैं वो आज गिरने की खबरें आई हैं। तो बारिश एक बड़ा खलल डाल रहा है। देखने वाली बात ये होगी क्या देर शाम तक बारिश अपना ये जो कोहराम है इसे लगाम लगाता है और इस त्योहार को जिसमें विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को फूंका जाता है, जलाया जाता है और कहा जाता है कि बुराई पे ये अच्छाई की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए जो रावण का गुरूर था उसको आज के दिन भी कहा जाता है कि जो कस्बे वादे खाते हैं कि गुरूर के चलते रावण अपनी मौत को मिला, उसके राम के हाथों से मौत मिली, क्योंकि अगर देखा जाए तो रावण का जो चरित्र था वो बहुत ही क्रोधित रहता था, साथ ही साथ उसे अपने ज्ञान का बहुत ही गुरूर था। और कहीं ना कहीं राम के द्वारा आज ही के दिन वध किया जाता है तो इसे बुराई पे अच्छाई का त्योहार बनाया जाता है। जी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। गोंडा के करनैलगंज में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में हत्या को जज और पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दरअसल रामलीला मंचन के दौरान फांसी नाटक का मंचन भी होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज जिलों से भी दर्शक आते हैं। पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था, तभी फांसी के नाटक का मंचन देख कर लोग हतप्रभ रह गए। देखिए, आज की जो फांसी हुई है उसमें पूरे ज़िले का, कई ज़िलों के बाद कर्नलगंज में ये फांसी होती है, जिसमें जज भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं और एक व्यापारी काबुल से आता है, उसके लड़के का कत्ल हो जाता है और उसी पर थाना कोतवाली जो भी बनता है, ये रामलीला के सारे पात्र रहते हैं, उसका अभिनय होता है, जो फांसी दिखाई जाती है और जल्लाद भी होते हैं, बाकायदा फांसी और डॉक्टर भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं।
अलीगढ़ में अलीगढ़ महानगर के धनीपुर में महादेव वाटिका पर शाम को वरिष्ठ समाज सेवी राधे श्याम सिंह की अध्यक्षता में बजरंग दल ने विजयदशमी के अवसर पर परंपरागत शस्त्र पूजन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और बजरंग दल पदाधिकारियों साथ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से विधिवत शस्त्र पूजन किया। वहीं अध्यक्ष राधेश्याम सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में साहस का प्रदर्शन केवल धर्म रक्षा के लिए ही उपयोग किया जाना निश्चित है। देश में इस समय जो परिस्थितियां हैं आप देखते हैं, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की हो, गाजियाबाद की हो, जब तक घटना घट जाती है उसके बाद कोई पुलिस का या सरकार का एक्शन होता है, और कहीं कहीं तो जो हिंदू विरोधी सरकारें हैं वहाँ एक्शन भी नहीं होता। इसलिए ये विजयदशमी का उत्सव हम लोग यहाँ भव्य रूप से मनाए हैं और नौजवानों से आह्वान किए हैं कि आप सभी अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, इस देश में हिंदुत्व को जगाए रखना चाहते हैं, तो सभी को एक बार शस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में पाइप में पोटेशियम भरकर फोड़ रहे दो बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वो पोटेशियम चला रहे थे जो पाइप में भर के फोड़ते हैं, जैसे हमें पता लगा है, हम मौके पे नहीं थे, जैसे ही पता लगा जब इनकी इंजरी होगी तो हम तो इन्हें सीधा हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, इनके परिवार वाले भी बाद में, दोनों बच्चे घायल हुए हैं? हाँ, मैं ही लेके आया। अभी कुछ देर पहले हमारे दो बच्चे आए थे, 13 से 14 साल की उनकी उम्र है, वो कुछ पोटाश भर के, कोई नया ट्रेंड चला है, पोटाश भर के पाइप में पोटाश भर के उसको फोड़ रहे थे, तो उसके फटने का हादसा हुआ। दोनों बच्चे में एक बच्चा गंभीर रूप से थोड़ा घायल हुआ पड़ा है, उसको हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है और ट्रॉमा सेंटर हमने रेफर किया है उसको। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना पुलिस ने कॉल सेंटर के रूप में चल रहे बड़ा रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें लोगों की शादी कराने के नाम पर झांसा देकर मोटी रकम वसूली जाती थी। यह शादी कराने वाला कॉल सेंटर एक युवक से 4,000 रुपए रिश्ता कराने के नाम पर वसूलता था और इसके बाद सर्विस देने के बजाय बात करना भी बंद कर देता था। जानकारी के मुताबिक इस ठगी करने वाले गिरोह में 7 महिलाएं भी पकड़ी गई हैं और धारा 420 एवं 66D में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यरत महिलाओं द्वारा विभिन्न पैकेजों का लोभन देके लोगों को ठगा जाता था और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस नहीं दी जाती थी। इसमें टोटल मिला के सिविल लाइन में 8 अभियुक्तों को, मैं 6 CPU, 8 मॉनिटर, 1 प्रिंटर, रजिस्टर, राउटर और 6,300 रुपये गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं देवेंद्र, मालती, दीपिका, लक्ष्मी, मोनिका, नम्रता, अंकिता व सपना। गाजियाबाद के टीला थाना मोड़ के हर्ष बिहार सेकंड कॉलोनी में एक मकान की दूसरी मंजिल पर दीवार पर लगी LED फट गई, जिसमें मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें, हादसा इतना भयानक था कि ना सिर्फ पूरे घर में अफरा तफरी मच गई बल्कि आसपास के मकानों में भी दहशत का माहौल हो गया। आज टीला मोड़ थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी एरिया में हर्ष बिहार कस्बे में विस्फोट हुआ, जिसमें कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की स्थिति थोड़ी गंभीर है। इन सभी लोगों को GTB दिल्ली हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, सबका इलाज प्रचलित है। मौके पर जाँच पड़ताल से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि LED TV जो घर में लगी हुई थी उसके फटने से विस्फोट हुआ है, बाकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जांच की जा रही है।
गाजियाबाद के टीला थाना मोड़ के हर्ष विहार सेकंड कॉलोनी से बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक मकान की दूसरी मंजिल पर दीवार पर लगी एलईडी फट गई, जिसमें मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, बड़ी घटना सामने आई है, एलईडी फटने का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स की मौत हो गई है, पूरा मामला क्या है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं, जिस तरह से यह एलईडी फटी है, जहां पर जो जिसमें एक व्यक्ति की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी और दो लोगों को उपचार के लिए जीटीबी दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी उन लोगों की जो स्थिति है अभी ठीक है, हालांकि अभी क्योंकि जांच के बाद पता चला था कि जो कांच है, जो फ्रंट में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि ब्लास्ट इतना भयानक था, क्योंकि तेज पावर की वजह से बताया जा रहा है। और बताया भी जा रहा है कि जो एलईडी थी, ये चाइना कंपनी की एलईडी थी, जिसमें काफी भारी भरकम जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, और जिसके बाद जो खासतौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि दीवार में दरार आ गई थी। कहीं ना कहीं मामला जो है पूरा का पूरा एक खराब एलईडी का कह सकते हैं, कि जिस तरह से खराब एलईडी को यूज करके चलाया जा रहा था, उसके बाद एक अचानक से जिस तरह से ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, और साथ ही दूसरे व्यक्ति, दो लोग थे, उनको उपचार के लिए जीटीवी दिल्ली रेफर किया गया था। जी मयूरी जी, धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों की। वाराणसी में नवरात्र के आखिरी दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक नवरात्र के अंतिम दिन माता के सिद्धिदात्री स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है, इसीलिए लोगों ने लाइन लगाकर माता का दर्शन पूजन किया, वहीं घर परिवार व समाज के सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। सिद्धिदात्री सिद्ध माता जी का है, दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः। अंतिम दिन नवरात्र के दिन, अंतिम दिन इन्हीं का दर्शन पूजन का विधान है। जो भक्त अन्य दिन दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो अंतिम दिन इनका दर्शन करके नौ देवियों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है। खबर औरैया जिले से है, जहां डिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 अक्टूबर को एक लड़की का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की जाने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि मृतका के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। यह खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी चारू निगम ने मीडिया से बात करते हुए किया। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी का खुलासा किया जाएगा। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, नाबालिग लगभग 17-18 साल की लड़की है, किशोरी की डेड बॉडी मिली थी, उसमें परिवार की शक के आधार पे जो तहरीर दी गई थी कि रेप और मर्डर की, उसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो डेड बॉडी है वो वर्तमान में क्रिमेट हो गई है। बता दें औरैया जिले से डिबियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 अक्टूबर को एक लड़की का शव खेत में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया था। वहीं अब मृतका के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। यह खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी चारू निगम ने मीडिया से बात करते हुए किया है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी किया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी का खुलासा किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जाहिद हमसे जुड़ेंगे। जाहिद, 3 अक्टूबर को एक लड़की का शव में खेत मिला था, जिसके बाद परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को एक लड़की शायद घटना घटती है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिलती है, वहां पुलिस मौके पर पहुंचती है, ऐसी मौके पर पहुंचती है, घटना स्थल पर बॉडी को उठाकर उसको संक्रामी के लिए पहुंचाते हैं। जब इसकी रिपोर्ट जब कल आती है पोस्टमार्टम की, जिसमें पता चलता है उसके साथ में दुष्कर्म ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हाँ, हत्या की एक आशंका जताई जा रही है, जिसमें एससी ने कई टीमें गठित कर दी गई है, वही जांच का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी धन्यवाद जाहिद तमाम।
रायबरेली में बछरावा क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के पास साइकिल से रोड पार कर रहे रिटायर्ड विद्युत कर्मचारी को अनियंत्रित लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें रिटायर्ड विद्युत कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने अनियंत्रित लोडर को हिरासत में ले लिया है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में भदोही के डीएम ने बीएचयू सर सुंदरलाल हॉस्पिटल और बीएचयू ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सभी मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल प्रशासन से बातचीत भी की। वहीं डीएम ने कहा कि मरीजों का पूरी सावधानी से इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही कहा कि सभी मरीजों का खर्चा जिला प्रशासन उठाएगा। पीड़ित परिवार झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने से बचें। हम लोग सभी जानते हैं ये बात कि बीएचयू प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, और डे वन से जब से यहाँ पे पेशेंट्स आए हैं 2 तारीख की रात से, तब से लेके अब तक लगातार वो लोग बने हुए हैं। तीमारदारों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। हमारी तरफ से ये कोशिश हुई है कि मेडिकली तो डॉक्टर्स सब देखेंगे, पर जो इलाज का खर्चा है उसके बारे में बात हो गई है, वो हम सब भदोही से अरेंज कर रहे हैं। तीमारदारों को हम लोगों ने ये बात बताई है। यहाँ से करीब प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की ओर से 4 अधिकारी, उसमें एक पुलिस अधिकारी 24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, एक मेडिकल ऑफिसर और एक प्रशासनिक ऑफिसर, और उनको हेल्प करने के लिए अगर 8 घंटे में कोई उनको मिनीचर कॉल वगैरह तो एक और बैकअप के लिए। इस प्रकार से 4 अधिकारी 24 घंटे यहाँ पे जो जितने भी तीमारदार हैं मेडिकली जितना उनसे कोऑर्डिनेट करना है उसके लिए तैयार, उसके लिए हमेशा रहेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।